महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण अधिकार कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के आरक्षण संबंधी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो वह आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। मनोज जरांगे ने कहा कि अगर उनके समर्थक चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही वे सत्तारूढ़ शिवसेना बीजेपी एनसीपी गठबंधन को हराने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण अधिकार कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के आरक्षण संबंधी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो वह आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। मनोज जरांगे ने कहा कि अगर उनके समर्थक चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही वे सत्तारूढ़ शिवसेना बीजेपी एनसीपी गठबंधन को हराने की कोशिश करेंगे।